अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है और किसी कारण से वो प्रोडक्ट आपको डिफेक्टिव या फिर डैमेज या फिर कोई और प्रोडक्ट मिल गया है और आप उसको एक्सचेंज या रिटर्न करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि अपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद इस ऐप के लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर कॉर्नर में थ्री लाइंस हैं, उस पर क्लिक करनी है। मैंने यहाँ क्लिक कर लिया। उसके बाद मुझे नीचे के साइड में एक लिखा हुआ मिलता है माई ऑर्डर, तो मैं इस पर माई ऑर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक कर लिया तो ये मेरा माई ऑर्डर खुल रहा है और यहाँ मेरे माई ऑर्डर्स में जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो इनमें से आपको जो भी प्रोडक्ट को रिप्लेस या रिटर्न करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ मैं रेडमी नोट 7 प्रो सबसे ऊपर में जो मेरा प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करके देखते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरा वो प्रोडक्ट खुल गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे के साइड में एक लिखा हुआ रिटर्न और नीड हेल्प्स। तो हमको ये प्रोडक्ट को रिटर्न या एक्सचेंज करना है, तो सबसे पहले हम इस पर रिटर्न पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये मैंने रिटर्न पे क्लिक कर लिया। फर्दर एक पेज खुल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में लिखा है रीज़न फॉर रिटर्न। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट था उसका पैकेट मुझे डैमेज मिला था, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक सा जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि आइटम और पार्ट वाज ब्रोकन और डैमेज ऑन अराइवल, तो यहाँ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। आपको जो सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। मोर डिटेल फिर एक आएगा ऑप्शन, तो उसमें भी क्लिक करके एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ही कर लेता है, आइटम सेल इज़ टेम्परेड, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ एक कमेंट करना नेसेसरी रहता है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये सबमिट और कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं एक कमेंट कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ कमेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू कर दिया। फर्दर एक पेज खुल गया। यहाँ पे मेरा एड्रेस यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको नीचे साइड में। यहाँ पर आप चाहें तो अगर दूसरे एड्रेस पे अगर आप कहीं और गए हुए हैं और वहाँ पर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप अपना जो भी चाहे एड्रेस चेंज कर सकते हैं या नया एड्रेस यहाँ ऐड एड्रेस पर जाके एक नया एड्रेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। पर लेकिन हमको मुझे उसी एड्रेस पे मंगाना मतलब रिटर्न करना है जिस पे मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, तो मैं एड्रेस चेंज नहीं करता हूँ। अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और मिड में एक और ऑप्शन लिखा हुआ है, व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। तो यहाँ पर मुझे रिप्लेसमेंट ऑफ सेम प्रोडक्ट करके मिल रहा है, तो मैं यहाँ ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेक्ट करते ही कन्फर्म रिटर्न का ऑप्शन मेरा आ जा रहा है। तो यहाँ मैं कंफर्म रिटर्न जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मेरा प्रोडक्ट कंफर्म रिटर्न प्लेस हो जाएगा। उसके बाद मैं इस पर मतलब ये फिर प्रोडक्ट मेरा रिटर्न के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद ये मेरा प्रोडक्ट रिटर्न और पिकअप होगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट मुझे नया एक दे दिया जाएगा।